पाजी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के परिवार में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है पाजी, नॉर्मल बात भी करते हैं तो कितने सुर में। ऐसा लग रहा है हारमोनियम रख के फिर बोल रहे हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको ये पता भी नहीं क्या हम आपको कितना प्यार करते हैं। क्या बात है पाजी, हम यही बात लता जी के बारे में बोलते थे। लता जी जब बोलती थी ना, हम जब नए नए देखते थे जी, तो मैं मुझे सुर में ही गाना पसंद है। तो आप मेरे बारे में ऐसे बोले तो मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई माच। अरे हजूरे वाला डिजर्व करते हैं। हजूरे वाला जनाबे अली, पत्थरों से शाहकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है, और जब होती है माँ सरस्वती की कृपा तो धरती पे सोनू निगम जैसा फनकार बनता है। मुझे कुछ कहना है आपके बारे में जी। और जब कला ऊंचाई लफ्जों की चतुराई एक पगड़ी के अंदर आई, तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसा सरदार बनता है। सुन भाई, आप जब इंडस्ट्री में आए, हम लोगों ने रफी साहब को सुना, किशोर साहब को सुना, मुकेश जी को सुना, तमाम इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर सुनते रहे हम लोग। जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई, बिकॉज इतने सारे कलाकारों के होते हुए एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने ट्रेनिंग कहां से ली, बेसिक सीखना कब शुरू किया आपने? आप इतने सीरियस अजीब लग रहा है मेरे को ना। लास्ट वाला नहीं समझ रहा था कि लास्ट वाली लाइन खत्म कहां पे करूं। तो आपने जब ये किया, मतलब एक्चुअली मैं इनको टीवी पे इतना देखता हूँ हंसते और हंसाते हुए, बदमाशी करते हुए, कि मुझे जब भी सीरियस सवाल पूछेंगे कुछ कुछ मतलब इसमें भी आने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ अभी आएगा क्या, क्या आएगा। मैं बैकफुट पे हूं। नहीं नहीं, मैं सीरियसली, और क्योंकि आपके ऊपर वाकई माँ सरस्वती कृपा है, तो इतने लोगों का प्यार है जो भी है, लेकिन ऐसा कभी सोचा था कॉमेडी नाइट में जाने का मौका मिलेगा? अब जो आपने कहा वैसा होगा। अभी मैं बोलूंगा अक्षय कुमार जैसे, ये ऐसा ही करते हो तुम लोग यार, जब ये पंच माता ताली बजवाते हो। मुझे बिल्कुल भी कभी उम्मीद नहीं थी कि मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में मुझे जाने का मौका मिलेगा, बिकॉज मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शो भी नंबर वन हो सकता है। बट है नंबर वन भैया। मेरे पापा बोलते हैं कि अरे कॉमेडी नाइट्स में जाना है, जा पक्का पक्का जा, और कपिल को मेरा प्यार देना, सिद्धू साहब को मेरा प्यार देना। मेरी बहन यहाँ पर आई है स्पेशली देखने के लिए, रात भर जग रहे सबसे। वी ऑल आर सच फैंस ऑफ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। बस यही बुलवाना था, इसके बाद मैं अपना रेट बढ़ाने वाला हूँ। मुझे पाजी एक मन में बात आ रही है। सोनू पाजी के लोग सिंगिंग के फैन है, इनकी पर्सनैलिटी के फैन है, इनकी लुक्स के फैन है, ये अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं उनके फैन है। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम। आज समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी इंटरव्यू करे। चलिए खैर, मस्ती मजाक चलता रहेगा, जोरदार ताली एक बार सोनू निगम जी के लिए। अच्छा सोनू भाई, सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, आप की इंस्पिरेशन कौन है? सबसे पहले तो जैसे हमारे माँ बाप ही पहले गुरु तो वो होते हैं जो सिखाते हैं, और मेरे पापा मम्मी दोनों स्टेज पे गाते थे, तो उनसे ही इंस्पायर हुआ पहले पहले कि गाना इसे होता है, इसे कहते हैं गाना। और हर सिंगर से कुछ ना कुछ सीखा है, मेरे सीनियर से सीखा है, मेरे जूनियर से सीखा है। सुल्तान खान साहब अरे नहीं रहे हमारे बीच में, अब वो सारंगी बजाते थे, तो सारंगी की आवाज़ कैसी होती है? तो वो बजा उनको गायकी की साल में भी इफ़ यू नोटिस सारंगी बजती है और पैनिंग होती है उसकी, पिया बसंती रे। सोनू भाजी, मस्ती मजाक का माहौल शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, हमारे सोफे बैठ जाइए। धन्यवाद। हम लोग खुद नहीं बैठते, लेकिन किससे बात? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे वैसी जैसी इसके बाप ने भेजी थी। घर में बकरी रख लो ना, 6-7 दिन बाद वो भी प्यारी लगने लगती है। ये 5 साल बाद भी वही की वही। तुम कौन सा 5 साल में राजपाल यादव से ऋतिक रोशन बन गए?
ना. हाँ हाँ ठीक है. So good to see you. वैसे you know मैं भी एक music family से belong करती हूँ. तानपुरा जैसा मुँह सबको पता ही है. Musical family से belong करती हूँ. इतनी अच्छी घर की लड़की मिली है, इतनी सी भी कदर नहीं है तुम्हें मेरी. क्या अच्छे घर की है तुम लोग? ये इतने भुके नंगे लोग हैं इनके, मैं आपको बता नहीं सकता. एक बार भूपेन हजारिका साहब इनके गांव चले गए, इन्होंने उनका हजार ही चुरा लिया. इग्नोर, तुम ना चुप रहा करो. तुम मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली में यहाँ आ गए. जा भगवान को जान देने, क्यों झूठ बोल रही है? 15 बार मेरे से पूछ चुकी सोनू निगम कब आ रहे, 22 बार मेकअप कर चुकी है तू. सिद्धू पाजी, एक हैंडसम बंदे के लिए अगर मेकअप कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कोई पाप नहीं. मैं अगर तू 50 बार कर, मुंह तेरा पतीली जैसे रहना है. इतनी सी तमीज नहीं है तुम्हें? पहली बार सोनू हमारे घर आए हैं और इनके सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो. हमारे घर में पहली बार है ना, टीवी तो उनके घर में भी है, रोज देखते ही हो. ये तो फैक्ट है. मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप दोनों से परिचित हूँ अच्छी तरीके, आपके पूरे परिवार से परिचित हूँ. मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार परिचित है आप लोगों से. सबको पता तेरे 14 by 16 के होट है. थोड़ी देर रुक जा, देख खुद ना बेइज्जती करके तो फिर बोलना मेरे को. Excuse me. इतना मुंह खोलती पूरी सीढ़ी सीधी करके डाल दो आप ऐसे. सोनू तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक ही इज वेरी रोमांटिक. आजकल इतने रोमांटिक गाने जो गाए हैं. क्या सिद्धू पाजी? बिल्कुल सही है. जा सोफे के कवर के ब्लाउज बना के आगे पहन के आगे, इसका मतलब ये नहीं कि सोनू भाग देगा. समझ में आया? रोमांटिक गाने गाए ना इन्होंने, और जिनके लिए गाए उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी. समझ में आया ना? रोमांटिक गाने वाली बढ़िया है. रोमांटिक गाने गाने गाए गाने चाहिए आपको इनके लिए. रोमांटिक गाने गाने चाहिए थोड़े से आपको. किसके लिए गाऊं रोमांटिक गाना? मैं इसके लिए दो गाना गाऊं, मुहावरा ना बोलूं मैं. मैंने इतने सारे रोमांटिक गाने गाए हुए हैं, उनमें से एक चुन लीजिए, इनको दे दो एक. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है. मैं जब भी इसको देखता ना, मैं सोचता यही हूँ कि यही गाऊं कि अब मुझे रा, जैसे इसकी तरह मुंह जाता ना, मेरे मुंह से गाना चेंज हो जाता अपने आप ही. आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं. आप प्लीज यहाँ पे सोफे पर विराजमान हो जाइए. तो जो सोनू निगम से प्यार करते हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, वो एक एक करके बात कर सकते हैं. सबसे पहले मैं कपिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके बाद सिद्धू जी के लिए जिन्होंने बात का हमने कौन सा इलेक्शन में जितवाया. सर 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 मेरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन ले सर. इलेक्शन जीतने की बात नहीं है. हाँ जी, मेरी बात है कि सबसे पहले आपने मुझे सोनू जी के दर्शन कराया. आपके माध्यम से ही हमने सोनू जी के दर्शन किए आपके मंच. अरे वाह, धन्यवाद. कि सर हम मुंबई आए हैं कुछ सपना लेके, और हम चाहते हैं कि अगर आप गाएं, आपके गाए हुए गाने पे हम परफॉर्म करें, हमारा सपना. जी जी, ये आपके जेनुइन फैन है ये आपके. अरे चढ़ जाओ स्टेज पे यार, रोली करेंगे. चढ़ जाओ. सर पे भार आ जाएगा भाई. अच्छा ये उठा रहे थे. धन्यवाद कपिल जी, आपके बहुत बहुत. आज के बाद पैर नहीं छुएगा किसी के. इसे कहते हैं आजाद आजाद डांस, आजाद हिंद फौज. वेरी नाइस. कभी आपको मौका मिले जी जी फिल्म में काम करने का जी जी, और सोनू जी प्लेबैक करें आपके लिए जी, किस हीरोइन के टाइम खराब करना चाहेंगे आप? सर जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं. नहीं मतलब कौन सी हीरोइन के साथ आप हीरो आना चाहेंगे? सर जब तक कोई नई हीरोइन आ जाएगी. मतलब अभी तक की कोई पसंद नहीं दीपिका वगैरह? नहीं सर, वो काफी सीनियर है मुझसे. सीनियर जब आप 10वीं पढ़ते थे वो 12वीं पढ़ती थी. डायलॉग तो सुनाओ कोई. एक कोई डायलॉग मैं जब जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब तब मुझे प्यार नजर आता. नहीं नहीं पूरा पूरा डायलॉग सुनाओ, आगे नहीं सुनाना. मैं को भूला थोड़ी था, मेरे को तो आता था. कपिल जी आपकी ये झील सी आंखें. अबे मेरी क्यों? सही है सर सही है.
ये माइक ले जाइए आप, शुक्रिया। आजा आजा। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं, लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच किशा, आप आए और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप अपने भैया की तरह ही पूरे विश्व में नाम कमाएं और माँ सरस्वती कृपा आप पे ऐसे बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।